देश दुनिया के इतिहास में 10 दिसंबर का दिन कई घटनाओं का गवाह बना। आज के दिन अभिनेता अशोक कुमार के निधन समेत कई बड़ी घटनाएं घटी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन घटनाओं की अहमियत से रूबरू करवाएंगे। मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार के प्रभावशाली सामंत यशवंत सिंह का निधन आज ही के दिन 1679 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार का जन्म आज ही के दिन 1870 में हुआ था। प्रसिद्ध वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म आज ही के दिन 1878 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और शिक्षाविद मोहम्मद अली का जन्म आज ही के दिन 1878 में हुआ था। आज ही के दिन 1887 में ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और ब्रिटेन के बीच बालकन सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा का जन्म आज ही के दिन 1902 में हुआ था। आज ही के दिन 1902 में तस्मानिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था। 1903 में आज ही के दिन पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी को भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय पुरातत्व वैज्ञानिक हंसमुख धीरज लाल सांकलिया का जन्म आज ही के दिन 1908 में हुआ था। आज ही के दिन 1947 में सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1950 में आज ही के दिन को मानव अधिकार दिवस घोषित किया गया था। इसका मकसद दुनिया भर के लोगों का ध्यान मानवाधिकार की ओर खींचना था, ताकि हर देश और समुदाय के सभी को एक नजर से देखा जाए। आज ही के दिन 1960 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रतिबंधित अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेता अल्बर्ट लुथली ने रंगभेद समाप्त करने की अपील की थी। 1961 में आज ही के दिन सोवियत संघ और अल्बानिया के बीच राजनयिक संबंध समाप्त हुए थे। कर्नाटक के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, राजनयिक और विद्वान के एम पाड़िक्कर का निधन आज ही के दिन 1963 में हुआ था। आज ही के दिन 1994 में यासिर अराफात, विटजाक रॉबिन और सिमोन पेरेज को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत के स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध नेता चौधरी दिगंबर सिंह का निधन आज ही के दिन 1995 में हुआ था। आज ही के दिन 1998 में अमर्त्य सेन को स्कॉट होम में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2000 में आज ही के दिन नवाज शरीफ को सपरिवार पाकिस्तान से 10 साल के लिए निष्कासित किया गया था। भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता अशोक कुमार का निधन आज ही के दिन 2001 में हुआ था। आज ही के दिन 2002 में अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी वायुसेना कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस को दिवालिया घोषित किया गया था। 2004 में आज ही के दिन ढाका टेस्ट में अनिल कुंबले कपिल देव को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने थे। आज ही के दिन 2007 में राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में 3 और जजों को नियुक्त किया था। मराठी लेखक, कवि एवं आलोचक दिलीप चित्रे का निधन आज ही के दिन 2009 में हुआ था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।